जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग में हम बातें करेंगे शिवानी दीदी और राधा दीदी के बारे में, क्योंकि देखिए कोई किसको इतना हेल्प करता है कि दोनों में इतना सुंदर इतना प्यार थी कि हातिल प्यार जिसको कहते हैं, मतलब एक दूसरे के लिए अच्छा समर्पण भाव थी। चलिए आज अभी तो अभी सुबह हुई है, मॉर्निंग है, मैं दिखाती हूँ। मेरे लिए मैं टिफिन बना रही, वो भी यहाँ रागी कहते हैं शायद हिंदी में इसको, अपना उड़िया में इसको जाऊ कहते हैं। दूध में इसको मैं घोली हूँ, इस साइड चढ़ाई हूँ चाय, दूसरी साइड चढ़ाई चाय। ये पीते पीते आज करेंगे हम बातें। अबाव बंगला धरोगो तो बहुत बंगला डाल लो ना, यहाँ के मत धरोगो ना ही खेत पर चलाओ और का ले ब्लॉगिंग तुम बनाइयो जाले पकड़ाओ का। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। का फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। इले गंगा सागर आए गो। राधा जी ने दुकान लगाई है, मगावड़ा बेचा, सब लोग खाए जाओ। हाय तो ये रियो को देख लल्ला झूठी बात बता, झूठ है। हुई तो बर्तन मांग लिए है, नहीं भगवान हम बनाए लिए। ये बड़ी धोखाबाज है, धोखाबाज काम कहीं पे गई, जल्दी जाओ। इले यार मेरी चप्पल टूट जा, चप्पल ना भाई चप्पल अपन से लिया पहले आ जाता टूट गई, मतलब फेंक दे आज गिरा जा गेहूं मन में ले आ मां ले आ चप्पल को कौन हम लग गई काई ले मां नहीं सुमंद से खते ताई से मैं ताई से उनकी चप्पल आएंगी। हां ये बिल्कुल स्टार होए का यो काना टूट लिया चप्पल पहले देख लो कितनी गरीब थी चप्पल पहले बस नहीं चलो ना घूरे पाता उठा ला बंदी डार के पहन लगा। गड की सब्जी हम बनाई है, फटा के आलू सब पर से खवाई है, तब मड़ैया को उद्घाटन हुई है। फिर पोस करन ना बंगला मां है ले यू आर मैरी मी लकड़ियां जड़ रही होती अब तो आर पार खुलो है एवे टटियां बाना सब अच्छो लगे कोई वो तो है ना जाने किंच को पाक होएगो ले भगवान उधर गओ आलू बुलंद रहो पहले जल्दी फोर का धरो कंडा फूट गए बिना ही पकनिया काम चलाए रहो ले लकड़ियां जल्दी अब चूल्हे मारे जा रहे हैं तुम्हारा लोगन को का काम है बनाने का तैयार गीलो है पार कर रहे हैं आलू उबाल रहे हैं मटा के आलू बने हैं कोला पैसा ऊ बचाए गैस को स्टार आया को ढक्कन तो आई नहीं जले जखे नहीं तले बाप नहीं बने आलू कैसा होगा। वीडियो लाइक कर दियो और जल्दी चूलो भरो जितनी जल्दी इतनी जल्दी वीडियो लाइक कर दियो। तुम्हारी देन है प्रधान का कहीं मक्खन लगा रुपया ले लियो 4-5 हजार रुपया नल लगवाए दो आते ही नहीं विधायक आते ही नहीं नल लगवाए तो सुबानी नहीं रानी अगर ना ही हुआ होती फिर अब गाँव खेतुआ नहीं गला सुन गाड़ा ना तीन लोग एक बीघा बीजा ले आई मैं बताए रही जल लाइन पे ले जा मेरी वाली पर न गाड़ डारो पूरो आधो गाड़ी नहीं बद्दी हट गई ला दिखा जोड़ा पर चली गई लकड़ियां ला लकड़ी सोल की है ले अब ना काना खरी है टेड़ो पा परो तब ही फर गई ले अपनो यू ला भैया मेरे पंखा में पूरी दैया दे दे हाय मैं लग गई सब खड़ो रह गई मेरी लग गई खा लो पट गई अरे मेरे परियों लग गई। हां फ्रेंड्स, उनका पीछे वाला वीडियो मतलब उनका वो जो एक दूसरे के लिए समर्पण भाव देख के मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं सोची क्यों ना आप लोग का साथ शेयर करूं, क्योंकि हम भी जहाँ रहते हैं कॉलोनी है, हम तो उड़ीसा के हैं, आके रहते हैं मध्य प्रदेश में, बाकी यहाँ पर भी हम ऐसे ही भाव से जीते हैं। 15 क्वार्टर है भले, एक दूसरे के लिए ऐसे ही भाव ले कर जीते हैं कि कभी किसी को पराया नहीं समझते हैं। तो मेरा नाम राधा देवी है। हमारी और शिवानी के बारे में जो बात है आज हम सच्चाई बताने जा रहे हैं, और जो भी देन है सब शिवानी की वजह से है। आज हमें कोई नहीं जानत हो, तो जो लोग जान रहे हैं आप लोगों ने जो सपोर्ट करो है बस शिवानी की वजह से करो है। शिवानी के वीडियो में नाथ होते आज हमें आप लोग कोई नहीं जानत होते, जो हमारा पालन पोषण है वो सब शिवानी ने करो आज दिन तक कर रही है। जो अब तक हमारा वीडियो नहीं आया हुआ है वो आज हम सब आप लोगों को बतान जा रही है। असूलाबाद के लड़का आए थे खाना, तो मैं उनके मोबाइल पर वीडियो बनाई अपनी माल, तो हम नहीं जाना थे कि हमारा ब्लॉग तो चल जाए, तो फिर हमने उनसे अपनी आईडी ली, वह आईडी हमने अपनी शिवानी को दी थी, अपनी मर्जी से दी थी, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई जबरदस्ती को प्रयास नहीं, तो जो लोग कह रहे छीनी थी ना छीनी थी, हमने अपनी दिल आत्मा से निकाल के दी थी। तो भैया आप लोग गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, बेना करें हमारे और शिवानी के बारे में सो ना करें, अब हम अपनो चैनल ले ले रहे हैं और अपनो चैनल चलाएं आप। हां फ्रेंड्स, हम तो देखे कि शिवानी दीदी और राधा दीदी में कितना प्यार थी, बाकी देखिए इन लोग का थोड़ी सी लूजपन का कारण से कैसे कोई तीसरा आके दोनों में इतना बड़ा हंगामा कर चुका है। तो जैसा भी हो रहा शिवानी दीदी के ऊपर तो राधा दीदी को भरोसा रखना चाहिए, ये तो गलत बात हुई है, जो भी हुआ वो गलत बात हुआ, ऐसे नहीं करना चाहिए था। बाकी लास्ट में राधा दीदी भी समझ पा रही
देखो क्योंकि कोई भी रिश्ता को तोड़ना बड़ी आसान है, जोड़ना इतना आसान नहीं है। इसीलिए कभी भी कोई रिश्ता तोड़ने से पहले 100 बार सोच लेना फ्रेंड्स। जय जगन्नाथ।